तो बॉस शाहरुख खान का एक डायलॉग था ना, कुर्सी की पेटी बांध के रखो मौसम बिगड़ने वाला, तो मौसम बिगड़ गया। हाँ बॉस, मुझे रिव्यू डालने में थोड़ा वक्त लग गया क्योंकि एकेडमिक काम में थोड़ा बिजी था। जो मैं फ्री हुआ आज, मैंने तीसरे दिन ये मूवी जाके देखा थिएटर में, और आज भी इतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स था, थिएटर फुल था। और 10 मिनट के बाद वो शाहरुख खान का एंट्री सीन, भाई साहब इतना खतरनाक, मजा आ गया। और थिएटर में तो पूरा शोरगुल से पूरा थिएटर ही लग रहा, क्या हो गया भाई। और स्पेशल कैमियो जो है, तुम सबको पता ही होगा किसका कैमियो है, और दोनों को एक साथ स्क्रीन में देख के फैंस तो पागल हो गए। और जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रेलर में जैसे कि देख के लक्षण को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पे अटैक करेगी और उसे पठान बचा लेगा, तो इतना नहीं था। उससे कई और भी ज्यादा एलिमेंट थे मूवी में जो कि देख के मजा आएगा। फाइट सीन तो इतना खतरनाक लाजवाब था, फुल पैसा वसूल। अगर आप लोग इंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी जाके जरूर देखो। लॉजिक को थोड़ा साइड में कर देना क्योंकि कहीं कहीं लॉजिक तो बिल्कुल ही फेल नजर आएंगे आप लोगों को। एज ए शाहरुख खान तो आपके लिए तो मस्ट वॉच मूवी है। आओ यार पॉपकॉर्न के साथ बैठो और एंजॉय करो। जॉन अब्राहम का काम भी बहुत अच्छा है, और लिटरली शाहरुख खान से ज्यादा जॉन अब्राहम का स्क्रीन पर आना ही लोगों के बीच में माहौल क्रिएट कर देता था। और दोनों का जब एक से एक फाइट सीन, कहा जाता है ना मूवी को हीरो को दमदार दिखाने के लिए विलन को दमदार दिखाना पड़ेगा, तो ये इस मूवी में बखूबी निभाया गया। और दीपिका पादुकोण को भी बस नाच नचाने के लिए नहीं रखा गया है, उसका भी टाइमिंग काफी अच्छा है। और स्पेशली में जब फाइट सीन होता है और बीच में बीजीएम जो बजता है वो पूरा मूवी के साथ लिंक करता है और पूरा फील आएगा। बहुत म्यूजिक तो बहुत अच्छा ही, हम लोग गाना देख इसके बेशरम रंग अच्छा है, मजा आएगा स्क्रीन पे देखने में। ओवरऑल तबाही है बॉस, मैंने ट्रेलर रिव्यू के समय ही बोला था कि ये मूवी छप्पर पार कमाई करने वाली, वो सच में हो रहा है, कमा रही है मूवी। आप लोग चाहते हैं कि मैं बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन और रिपोर्ट भी लाऊं तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, और सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू, बाय, सब्सक्राइब कर लेना।